तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, हमें 4-5 घंटे लग गए क्योंकि हमने इतनी खतरनाक शॉपिंग करी है ना, आज आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आज आप हमने हमने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सभी कैसे हो? तो आज मैं आपको तैयार दिख रही हूँ। वैसे तो आजकल मैं रोज ही तैयार हो रही हूँ क्योंकि ना कुछ फेस्टिवल आता जा रहा है या कुछ ना कुछ चीज़ कहीं जाना ही होता है, तो इसलिए थोड़ा रेडी होना ही पड़ता है। तो आज है आज है 20 अक्टूबर, तो करवा चौथ जैसे कि 24 को है, करवा चौथ आने वाला है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, तो हमें करवा चौथ के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि चीज़ें मीन्स वही चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ें, तो वो लेंगे। आज सोच रहे हैं मार्केट जाएं, दीदी और मैं दोनों मिलके जाएंगे, तो मैंने कहा चलो मार्केट जाने से पहले मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस रेडी हो गई, दिन के 12:30 हो गए, काम निपटाते 12:30 बज ही गए। तो आज दादी के साथ रहेंगे बब्बू और डॉली घर पे, सिर्फ आध्या हमारे साथ जाएगी क्योंकि वो ना रुक नहीं रही, और वैसे भी ये तीनों मिलके दंगा करते हैं, डॉली और बब्बू इतना नहीं करते पर तीनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए एक बच्चा हमारे साथ जाएगा, दो घर पे रहेंगे दादी के साथ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को करवा चौथ की शॉपिंग पे, बाय बाय। गाइस पार्टी चल रही है, मंगलसूत्र की पार्टी करा रही है दीदी, ये बात है। फिर तो हम खूब खाएंगे आज, खाने के लिए तो मैं आई थी ना, उसके भी नहीं बोला कभी मना नहीं, पर कोई वजह होनी चाहिए ना पार्टी। देखिए जो खाना है खाओ, आज मंगलसूत्र की पार्टी दे रही है मम्मा, ठीक है? बस डॉली और बब्बू को नहीं बताना वो चिढ़ेंगे फिर, और वो नहीं बताएगी, हम बच्चों के लिए लेके जाएंगे, दो बच्चे जो हमारे घर में हैं उनके लिए हम लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, हमें 4-5 घंटे लग गए क्योंकि हमने इतनी खतरनाक शॉपिंग करी है ना, आज आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आज आप हमने फर्स्ट टाइम करवा चौथ पे गोल्ड की शॉपिंग करी है, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन गोल्ड की। तो चलो फिर दिखाओ, पर उनमें से मेरा कुछ नहीं था, एक दीदी का था, मतलब इनडायरेक्ट वे में मेरा भी है पर वो बाद में पता चलेगा मेरा क्या था तो अभी दीदी आपको दिखाने वाली है, चलिए निकालिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोगों का। एक्चुअली हम पहले हैंड वॉश कर ले अपने। अरे नहीं नहीं निकालो। एक्चुअली बब्बू ने मेरे को इतना मारा है। बाहर गंदे से आए हैं हम। चलो दीदी हैंड वॉश करके आ रही है, हमने सैनिटाइज कर लिए, ओके? कहाँ है? तो ये है दीदी का और ये है हमारा, ठीक है? चलो फिर, चलो दीदी आओ खोलो इनको, आइए तो आज आपको दिखाते हैं जी। हमने यहाँ से लिया है, देखिए इसकी काफी सारी ब्रांच है कमल ज्वेलर की, तो देहरादून में भी ब्रांच है, आप में से कई बार गए भी होंगे, हमें डिजाइन वगैरह अच्छे लगते हैं इसलिए हम यहीं पर ही जाते हैं। हॉलमार्क का मिलता है, हाँ हम इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं बाय द वे, फटाफट डिब्बे निकाल के इसे हटा दो, हम बता रहे हैं ना। ये देखिए डिजाइन, ये खोलो, आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। ये है दीदी का, ये दीदी ने इसमें थोड़ा सा लड़ी चेंज करवाई है, ये देखिए ये दीदी का पहले का ही है, बहुत चलते हैं ऐसे हमारे में ना, बहुत डिजाइन आते हैं इसमें भी, ऐसे लंबाई में भी आता है छोटे में भी आता है, पहन के दिखाइए वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साड़ी पे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, वाह अब लग रही दीदी। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा वाला मंगलसूत्र, फर्स्ट वाला ये हो गया, अब दूसरा जो कि दीदी, ये देखिए ये कुछ ऐसा है, हाफ चेन और हाफ ऐसे काले काले मोती, और नीचे भी ये चेन वाला डिजाइन है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था,
और ये है कुछ कितने ग्राम का है ये, इसकी पर्ची उतार दी उन्होंने, 11-12 ग्राम का होगा ये, 12-12 ग्राम तक का था ये, हाँ 12-12 का था, तो ये हमें 60,000 तक पड़ा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप इसको बंद करो, अब दूसरा, इन्हें अपने कामों की पड़ी है। अब हम तीसरा बॉक्स खोलेंगे। अरे वही निकल गया, दिखाओ दिखाओ, ये देखिए ये है दीदी का, इससे पहले वाला बुक है, इसकी मोटी मोती हैं, मोटे मोटे मोती हैं, मुझे इसीलिए तो पसंद आया ये। बारीक मोती वाला नहीं अच्छा लगता। चलो पहन के दिखाओ इसको। नहीं इसको मैं आज अरे लगा के दिखाओ ना, लगा के दिखाओ। ये पुराना ही है, इसको वो करवाया अच्छी, थोड़ा सा हमने नया करवाया, थोड़ा सा चेंज करवाया है हमने। ये देखिए ये ऐसी लुक। अरे फोकस हो जा भाई, हो गया अच्छा लग रहा है। अब हम दिखाऊं, मैं दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। बाबू इसके ऊपर चढ़ और तू भी आ। तो ये देखिए हमारा, ये गोल्ड की चेन में लगेगा, गोल्ड की चेन हमारे पास है पर पेंडेंट नहीं था, तो इसलिए मुझे ये बहुत सुंदर लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये वाला पेंडेंट 16,000 का पड़ा है, ये 2.5-3 ग्राम का है और हॉलमार्क है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ये मंगलसूत्र, तो ये मंगलसूत्र दीदी ने लिया है अपनी, मतलब दीदी की मम्मी ने अपनी बहूरानी के लिए लिया है, पर हमने अपनी पसंद का ले आया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है ना। और दूसरा, और दूसरे वाला ये है, ये दीदी ने अपने लिए लिया है ये, और तीसरा ये है, ये पहले का था, बस चेन वगैरह कुछ नहीं डलवाई है तो लुक नहीं की है इसकी। तो 1.5 घंटा लग गया हमें नीचे, अब 6 बजे मैं ऊपर आई हूँ, 5 बजे हम आ गए थे मार्केट से, तो केक वेक खाया और देखा ढंग से, मतलब ज्वेलर की शॉप पे इतने अच्छे से हम देखते नहीं है ना, और जब गोल्ड की नई चीज़ लो ना तब तक, जब तक उसको निहार निहार के ना देखते रहो ना तब तक चैन नहीं आता है, क्योंकि आजकल सोना खरीदना इतना वो हो गया ना कि क्या बताऊँ, मतलब मुश्किल ही हो गया है। तो दीदी ने तो 12 साल में पहली बार अपने लिए कुछ लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है कि उन्होंने अपने लिए कुछ लिया है। तो अब मैं उन्हें बोल रही थी कि पहन लेना और अब पहन के रखना, क्योंकि मंगलसूत्र या चेन तो डाल के ही रखनी चाहिए, अच्छा होता है, तो अच्छा क्या होता है, मतलब अच्छा लगता है यार दूसरे को भी खुद को भी, है ना। तो अब वो बोल रहे थे कि मैं कब डालूंगी, फ्राइडे को बोल रहे थे शायद। वैसे तो मैंने कहा था आज पूर्णिमा का दिन है, अच्छा है आज का दिन भी, पर भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, उन्होंने फ्राइडे को पहनना है। और जो मैंने पेंडेंट आपको दिखाया था ना, वो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया, मतलब मम्मी ने वहां से गूगल पे मुझ कर दिया था, जहां अब गूगल पे है वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो मम्मी ने मुझे गूगल पे कर दिया था, क्योंकि रेडीमेड जो चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाती है ना, उसको लेने में ही भलाई है। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी और मेरी पसंद बिल्कुल एक है, तो मम्मी को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि मम्मी के जो ऐसे गोल्ड का एक चेन है ना, उसके आगे का पेंडेंट ना, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कैसा बनवाएं कैसा बनवाएं कैसा बनवाएं, तो खुद से बनवाऊं ना तो वो डिज़ाइन नहीं आता है, जब हम रेडीमेड ले लेते हैं ना झट से तो वो बहुत अच्छी लुक देता है। तो मैं वहाँ जब घर जाऊँगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि उस चेन के आगे जब हमने उसको डलवाया तो वो कैसा लग रहा था। तो एक मम्मी का है, 3 दीदी ने लिए हैं, जो कि एक उनकी भाभी का है, अभी होने वाली भाभी का है, अभी कोई रिश्ता विश्ता नहीं हुआ है उनके भाई का, ढूंढ रहे हैं, पर यह है कि पहले से बना के रखने में ही भलाई है, अब आने वाले टाइम में सोना कितना बढ़ता है क्या होता है कुछ पता नहीं है, तो अब जब देखते हैं। और हाँ मैं, मेरे को सांस फूली हुई है, मैं भाग भाग के आई हूँ ना अभी ऊपर, तो इसलिए थोड़ा हाँफ हाँफ के बोल रही हूँ।
और मैंने बेडशीट्स भी मंगाई थी तो अच्छे रेट पे मिल गई मुझे बेडशीट्स फ्लिपकार्ट से। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि हो सकता है ये वाला वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए या ना भी हो, कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज कोई रूटीन तो शूट नहीं किया, बस ऐसे ही मार्केट गए थे तो मार्केट का ही शूट किया। तो फर्स्ट टाइम करवा चौथ पे इतनी महंगी शॉपिंग करी है, मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छे खासे पैसों की शॉपिंग कर ली, तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता है ऐसा, दो चार साल में, पांच साल में, छह साल में, हर साल का तो है नहीं। वो लोग और होते हैं भाई जो हर साल गिफ्ट खरीद लेते हैं, जिनके हस्बैंड दे देते हैं। मैं भी बिल्कुल मतलब बोलती नहीं हूँ, मजबूर करती नहीं हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि करवा चौथ पे गिफ्ट लो। आगे पीछे कभी भी ये मुझे दे देते हैं या मैं खुद ही ले लेती हूँ, तो एक ही बात है यार, हम भी तो पतिदेव के पैसे से ही ले रहे हैं, तो गिफ्ट अपने आप ले या उनसे ले, एक ही बात है। मैं ऐसा कोई गिफ्टों वाला चौंचला नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। तो चलो फिर, आज की शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी। अब कल फिर मार्केट जाना पड़ेगा चूड़ी बिंदी लेने के लिए, क्योंकि चूड़ी बिंदी आज नहीं ले पाए, ढाई तीन घंटे हमें उसी ज्वेलरी शॉप में लग गए, क्योंकि बिलिंग में ज्यादा टाइम लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक नए से फ्रेश से व्लॉग में, शॉपिंग वाले व्लॉग में, क्योंकि कल हमें फिर राशन लेने जाना है और चूड़ी बिंदी वगैरह भी खरीदनी है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल मैं। आई होप आप सबको हमारे मंगलसूत्र बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं चलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। बाय बाय।